डॉक्टर अजीत भारती, आज आपके लिए सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी कोर्स ए काव्य खंड के अंतर्गत सूर के पद लेकर आए हैं। तो चलो देखते और समझते हैं। सूर के पद समझने और पढ़ने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने कंस मामा का वध करने के लिए मथुरा जाते हैं और वहीं के राजकुमार हो जाते हैं, उनके एक मित्र हैं उद्धव। वे अपने और ब्रज की गोपियों के प्रेम के बारे में बताते हैं। उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी हैं और अहंकारी भी। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं कि उन्हें योग साधना के माध्यम से समझाओ। तो उद्धव ब्रज जाते हैं गोपियों के पास और गोपियों से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भूल जाओ और अपना ध्यान भक्ति तथा योग साधना में लगाओ। बस उद्धव इतना ही कह पाते हैं तो पूरी गोपियां उन पर हमला कर देती हैं और अपने ये सारी गोपियां एक ऊपर एक प्रश्न करती जाती हैं और उद्धव को पूरे समय बोलने का अवसर भी नहीं देती हैं। तो उसी का वर्णन किया गया है यहाँ पर, तो चलो देख लेते हैं। पद क्रमांक एक, सूर के पद पाठ में कलाकार इस प्रकार हैं। ये जो महाशय हैं ये उद्धव हैं और ये राधा और उनकी ये शैलियाँ। उद्धव जब भगवान श्री कृष्ण के समाचार लेकर आते हैं तो जैसे ही गोपियों के सामने उपस्थित होते हैं तो सूर दास पहले पद में कहते हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगातें नाहन मन अनुरागी, पुरेन पात रहत जल भीतर तारस दे न दागी। तुम अव अति बड़ भागी कहती हैं, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्यों तुम्हारी तो स्थिति वैसी है। गोपी कहती है, अपरस रहे सनय तगाते नाहन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ होता है दूर रहना, सनय का मतलब होता है प्रेम, तगा का अर्थ होता है धागा, नयन का अर्थ होता नहीं, अनुरागी का अर्थ होता प्रेम। कहते आप तो प्रेम के धागे से बंधे ही नहीं, ना ही मन अनुरागी, ना ही उनके प्रेम में पड़े। गोपियां कहते ये कि अच्छी बात है कि तुम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में ही नहीं बंधे और ना ही उनसे तुम्हें प्रेम हुआ। तुम्हारी तो स्थिति वैसी है जैसे पुरैन पात रहते जल भीतर। पुरैन का अर्थ होता है कमल, पात मीन पत्ता और तारस दे न दागी। रस का अर्थ यहाँ पर एक तरह से जल के लिए कहा गया, दे माने शरीर, दागी माने दागना। कहे तुम्हारी स्थिति वैसी ही है जैसे, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव तुम्हारी स्थिति वैसी है जैसे कमल के पत्ते, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार तुम पर श्री कृष्ण का प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो ये देखिए, ये कमल के पत्ते हैं जिस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये इस तरह से है ना, ये जल कमल के पत्ते, ये कमल का फूल है, ये पानी में रहता है, उसके बाद भी इस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो गोपियाँ कहती है आपकी भी स्थिति वैसे ही है। ज्यों जल माँ तेल की गागर बूंद न ताको लागी। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार तेल की गगरी अर्थात तेल से भीगी हुई गगरी में डुबोया जाता, अब जब पानी से निकालते हैं तो उसमें पानी की बूंदे नहीं रुकती हैं, ठहरती हैं। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीत नदी का अर्थ होता है प्रेम की नदी, पाँव का अर्थ है पैर, बोरियो का अर्थ होता है डुबोना। कहते लगता है तुमने कभी प्रेम की नदी में पैर ही नहीं डुबोया, अर्थात प्रेम में पड़े ही नहीं। दृष्टि ना रूप परागी और ना ही कभी उनकी दृष्टि पर तुम मोहित या आकर्षित
हुए। सूरदास अबला अम्बोरी। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते कि वो तो हम ही सारी गोपियां भोली वाली थी जो उनसे प्रेम कर बैठी और उनकी ओर आकर्षित हो गई। आगे गोपियां कहती हैं गुर चाटी ज्यों पागी। तो गुर का अर्थ होता है गुड़, ये जो रखा हुआ है। चाटी का अर्थ है चीटी और ज्यों का जैसे। पागी का अर्थ होता है ऐसी खाने वाली वस्तुएं जो चाशनी से बनती है, अर्थात गुड़ गन्ने के रस से पका कर बनाई जाती है, इसीलिए इसके लिए पागी शब्द का प्रयोग किया गया। अर्थात जिस वस्तुओं को चाशनी के माध्यम से बनाया जाता है उन्हें पागी कहते हैं। तो गोपियां कहती हैं हमारी गुड़ चाटी यानी वैसे ज्यों पागी, जिस प्रकार चीटियां गुड़ की ओर आकर्षित होती हैं, सामान्य रूप में वो मीठे के कारण आकर्षित होती, लेकिन गोपियां अपने ढंग से कहती वो गुड़ से के तरफ इसलिए आकर्षित होती हैं क्योंकि वो गुड़ से प्रेम करती हैं। देखो ये चीटियां कितनी सारी चीटियां प्रेम करती हैं और उसके पास जाकर उससे चिपक जाती हैं, यानी वो उससे इतना प्रेम करती हैं कि उससे अलग नहीं होती हैं। तो कहते ठीक वैसी स्थिति हमारी भी है, हमारे लिए श्री कृष्ण गुड़ की भांति हैं, हम उससे इतना प्रेम करती हैं कि किसी भी तरह से उनसे अलग नहीं होना चाहती हैं, यानी उन पर पूरी तरह अनुरक्त हैं, जैसे ये चींटियां गुड़ से प्रेम करती हैं और किसी भी स्थिति में उसे छोड़ना नहीं चाहती हैं, वैसे ही हम भी श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि किसी भी स्थिति में उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। सूर के पहले पद को पढ़ने के बाद अब इस पद का हम सार जान लेते हैं। तो गोपियां कहती हैं ए उद्धव आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो आप श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं बंधे और ना ही आपने उनसे प्रेम या अनुराग किया। आपकी तो स्थिति उस कमल के पत्ते के समान है जो पूरे समय जल में डूबा रहता लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का दाग धब्बा नहीं लगता, और आपकी तो स्थिति उस तेल के घड़े के समान है जिसे जल में डूबोने पर भी जब उसे बाहर निकालते उसमें एक भी बूंद नहीं ठहरता, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ा। आपकी तो लगता है आपने कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी ही नहीं लगाई, ना ही आप श्री कृष्ण के सौंदर्य पर कभी मुग्ध या आकर्षित हुए हो। वो तो हम ही भोली वाली थी जो उनसे प्रेम करने लगी। हमारी तो स्थिति उन चींटियों की बात है जो गुड़ से प्रेम के कारण उनसे आकर्षित होती हैं और उससे जाकर चिपक जाती हैं, उसे किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ते। हम भी उसी प्रकार प्रेम करते हैं श्री कृष्ण से और अब किसी भी परिस्थिति में उन्हें नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इस तरह ये पहले पद का सार समाप्त हुआ। पद क्रमांक 2 पद में सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं मन ही मन मांझ रही, कहती हैं कि मैं अपने मन की बातें अपने मन में ही रखे हूं। क्यों कहिए जाए कौन पे उदो नाही परत कही। गोपियां कहती हैं कहिए जाए कौन पे उदो, हे उदो हम किससे जाकर कहें। ना ही परत कही, परत का अर्थ है किसी अन्य या दूसरे, हम किसी दूसरे से अपनी व्यथा कह भी नहीं सकते हैं। वो कहते हैं हमारे मन में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हम भगवान श्री कृष्ण से कहते लेकिन वो आए नहीं, और हम दूसरे से कह भी नहीं सकते क्योंकि हमारी बातों समस्याओं का समाधान तो वही कर सकते, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। फिर आगे गोपियां कहती अवध आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही। अवध का अर्थ होता है समय, आधार का अर्थ होता है सहारा, आस का अर्थ होता है आशा, आवन का अर्थ होता है आना। तन शरीर मन मस्तिष्क, व्यथा मतलब दुख, सही मैंने सहना। गोपी कहती है कि तन मन व्यथा सही, हमने तन और मन की कष्ट को इसलिए सह लिया कि वो एक ना एक दिन अवश्य आएंगे, इसी आशा में हम उनसे दूर रहने की पीड़ा को सहते रहे लेकिन वे नहीं। आगे फिर कहती हैं अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहनी विरह दही। कहते जोग का अर्थ होता है योग, संदेश संदेश, विरायणी का अर्थ होता है वियोग में
जीने वाली, और विरह दही का अर्थ होता है विरह की आग में जलना। वो कहती अब इन योग संदेशन सुन सुन, कहती अब तुम्हारे इन योग संदेशों को सुन सुन कर योग संदेश को सुन सुन कर हम एक तो पहले से दुखी थी, अब और दुखी हो गई। चाहत होती गुहार जतई तय उतें धार बही। गोपियां कहती हैं चाहत माने चाहना, गुहार का आग्रह, जितई माने जिधर से, उत तई का अर्थ होता उधर से, धार का अर्थ होता धारा, बही माने बहती चली आए। गोपी कहती जहाँ से हमने गुहार लगाई थी, आशा लगाई थी, उम्मीद की थी कि कोई ना कोई प्रेम का संदेश आएगा, लेकिन उधर से प्रेम का संदेश तो नहीं आया, और बदले में योग की धारा पूरी भाई चली आई। आगे फिर कहते सूरदास अब धीर धरें क्यों मर्यादा ना लई। सूरदास गोपियों की तरफ से कहते हैं अब धीर धरें क्यों, धीर का अर्थ होता धैर्य, कहते अब हमसे धैर्य नहीं रखा जाता है, क्यों कहते मर्यादा ना रही। अब उन्होंने तो मर्यादा ही नहीं रखी, कहते उन्होंने तो अपनी सीमा ही तोड़ दी, अब हमसे रहा ही नहीं जाता है। इस तरह सूर का दूसरा पद समाप्त हुआ। सूर के दूसरे पद को पढ़ने के बाद अब उसके हम सार को जान लेते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव हम अपनी मन की बात मन में ही रखे हुए हैं, क्यों हम किससे जाकर कहें, हम किसी दूसरे से कह भी नहीं सकते, जिससे कहना था वो तो आया नहीं, और हम अपने शारीरिक और मानसिक पीड़ा को इसी आशा में इसी उद्देश्य से सहन करती रहीं कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण जरूर आएंगे, लेकिन वो तो आए नहीं, उन्होंने आपके माध्यम से योग संदेश और भेज दिया, हम लोग तो पहले से पीड़ित थीं अब और भी दुखी हो गईं, हमने जिस ओर से आशा की थी कि कोई प्रेम की बात आएगी, प्रेम का समाचार आएगा, उधर से प्रेम का समाचार तो कुछ आया नहीं, और उल्टे ही उधर से योग की धारा बही चली आई। तो गोपियां फिर कहती हैं कि हे उद्धव अब हमसे धैर्य नहीं रखा जाता, क्यों क्योंकि उन्होंने तो मर्यादा ही तोड़ दी। मर्यादा यह होती है कि अगर कोई आपसे प्रेम करता है तो बदले में आप उसे प्रेम दें। तो इस प्रकार ये दूसरा पद समाप्त हुआ। पद क्रमांक 3। गोपियां कहती हैं कि हमारे हर हरिल की लकड़ी, यह जो पक्षी आपको दिखाई दे रहा है यह हरिल पक्षी ही है, हमारे भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो हरिल की लकड़ी के समान है। कहते जिस प्रकार हरिल पक्षी लकड़ी को अपने पैरों में दबाए रखता है और किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए हरिल लकड़ी के समान है, हमने उन्हें अपने हृदय में मजबूती से पकड़ के रखा है, और कैसी भी परिस्थितियां हैं हम उन्हें किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, कहते हमने उन्हें अपने मन से कर्म से वचन से नंद नंदन, नंद का अर्थ है यहाँ पर नंद बाबा, नंदन यानी भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र, और उर का अर्थ होता है हृदय, कहते हमने भगवान श्री कृष्ण को मन से कर्म से वचन से अपने हृदय में यह दृढ़ कर पकड़ी, मजबूती से पकड़ के रखा है। फिर आगे गोपियां कहती हैं जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हे कान्हे जकरी। जागत का अर्थ है जागना, सोवत का अर्थ है सोना, और स्वप्न का सपने में, दिवस का अर्थ है दिन, और निस का अर्थ है रात्रि, काना काना यानी भगवान श्री कृष्ण का नाम, जकरी माने
बार बार लेती रहती हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण का सोते जागते सोते स्वप्न दिन रात उन्हीं का नाम ही रटती रहती हैं या उनके नाम की ही रट लगाए रहती हैं। जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। गोपियां कहती हैं कि तुम्हारे इस योग को सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई करी ककरी हो। आगे फिर गोपियां कहती सोतो व्याध हमको ले आए। व्याध का अर्थ होता बीमारी। वो उद्धव से कहती हैं ए उद्धव ये बीमारी तुम हमको ही लेकर आए जिसे हमने कभी ना देखी सुनी ना करी। कहते इस बीमारी के बारे में ना तो हमने कभी देखा ना सुना ना ही किया और ऐसी बीमारी सिर्फ हम ही मिले थे लाने के लिए, कोई तुम्हें और नहीं मिला। आगे सूरदास गोपियों की तरफ से कहते हैं, क्या कहते हैं, यह तो सूरत नहीं लो सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियां कहती कि हे उद्धव आप ये जो बीमारी है ऐसे लोगों को जाकर दो जिनका मन स्थिर नहीं है, इधर उधर चक्र के समान घूमता रहता है। हमारा तो मन पहले से भगवान श्री कृष्ण में लग चुका है इसलिए हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये उन्हीं को दो जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है, जिनका कहीं स्थाई मन नहीं लगा हुआ है। तो इस प्रकार ये सूर के पद का तीसरा भाग समाप्त होता है। सूर के तीसरे पद को पढ़ने के बाद अब हम इसके सार पाठ के सार को समझ लेते हैं या जान लेते हैं। तो गोपियां कहते हैं ये उद्धव हमारे हर हरल की लकड़ी। कहते हमारे तो भगवान श्री कृष्ण हरल पक्षी की भांत हैं। हम उन्हें मन से कर्म से वचन से अपने हृदय में मजबूती से पकड़े हुए हैं। और कहते हैं सोते जागते स्वप्न में दिन रात काना काना यानी उन्हीं का श्री कृष्ण का नाम रखती रहती या लेती रहती। तुम्हारे इस योग संदेश को सुनते ही हमें ऐसा लगा जैसे हमने कोई करी ककरी खा ली है। यह बीमारी आप हमें ही ले आए जिसके बारे में हमने ना तो कभी सुना ना भी कभी कुछ किया। आप तो इस बीमारी को ले जाकर उन्हें ही सौंप दो जिनका मन स्थिर नहीं रहता। हमारा तो मन भगवान श्री कृष्ण में पहले से स्थिर है इसलिए हमें इस योग साधना की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार तीसरा पद का यह सार समाप्त हुआ। पद क्रमांक 4 सूर के पद का ये चौथा भाग है। तो इसमें गोपियां कहती हैं हरे हैं राजनीत पढ़ आए। गोपियां उद्धव से कहती हैं हे उद्धव लगता है कि आपके भगवान श्री कृष्ण ने राजनीत पढ़ ली है। गोपियां कहती हैं समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। वो कहती हैं मधुकर का ये भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा कि समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। जैसे ही आपने बात शुरू की हम तुरंत ही समझ गए थे कि आप क्या कहना चाहते हैं। हमें तुरंत ही सारे समाचार समझ में आ गए आपके बोलते ही। फिर आगे कहती एक अति चतुर होते पहले ही। कहते एक तो वो पहले से बहुत चतुर थे अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कहते लगता है कि अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया अब पहले से ज्यादा वो ज्ञानी हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो संदेश पठाए। कहते अब तो वो पहले से ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं जो हम लोगों को योग संदेश आपके माध्यम से भेज दिया कि आप जाओ गोपियों को योग संदेश सुनाओ और प्रेम के मोह से दूर हो जाओ। उद्धव भले लोग आगे के उद्धव गोपियां कहते हैं कहती हैं हे उद्धव जो भले लोग होते हैं पर इत डोलत धाय। पर का अर्थ होता है दूसरे, हित माने भलाए, डोलते माने आगे पीछे, धाय माने दौड़ते रहते हैं। कहते जो भले लोग होते हैं वो दूसरों की मुसीबत आने पर उनके आगे पीछे दौड़ते रहते हैं।
अब अपने मन फेर पहिए। गोपियां कहती हैं लगता अब हम अपना मन वापस ले लेंगे, चलत जो होते चुराए। कहते जाते समय जो हमारा मन चुरा के चले गए थे, लगता है वो अब हमें वापस मिल जाएगा। फिर गोपियां आगे कहती ते क्यों अनीत करें आपन जे और अनीत छोड़ा। कहते जो दूसरों को साथ न्याय करते थे, कभी अन्याय नहीं करते थे, आज वो स्वयं अपने आप पर अन्याय कर रहे हैं। फिर आगे गोपियां कहती हैं राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जय सताए। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव राज धर्म तो यह है कि प्रजा को किसी भी प्रकार से सताया ना जाए, क्योंकि राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करना। तो इस प्रकार ये चौथा और अंतिम भाग समाप्त हुआ। चौथे पद को पढ़ने के बाद अब हम इस पद के सार को जान लेते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव लगता है हरि ने अर्थात श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। आप जैसे ही उनका समाचार लेकर आए और आपने थोड़ा सा बोला तो हम सब समझ गई थी कि आप क्या कहना चाहते हैं। एक तो वो पहले ही से बहुत चतुर थे और अब लगता है उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया अर्थात राजनीति पढ़ ली है। उनकी बढ़ी हुई बुद्धि को हम सब जान गई जो हम लोगों को योग संदेश भेज दिया है। फिर आगे गोपियां कहती कि हे उद्धव जो भले लोग होते हैं वो दूसरों को कष्ट आने पर उनके आगे पीछे दौड़ते हैं। फिर गोपियां कहती हैं लगता है अब हम सबको अपना मन वापस मिल जाएगा जो श्री कृष्ण जाते समय हमारा चुरा कर ले गए थे। ठीक, तो फिर आगे फिर वो कहती हैं कि वह तो अपने आप पर अन्याय कर रहे हैं क्योंकि वो दूसरों को अन्याय से बचाते थे, लेकिन ऐसा व्यवहार करके वो स्वयं अपने आप पर अन्याय कर रहे, अपने व्यवहार के विपरीत कार्य कर रहे हैं। आगे गोपी फिर अंत में कहती कि हे उद्धव राजा का तो धर्म यह होता है कि प्रजा को किसी प्रकार से सताया न जाए अर्थात प्रजा को कष्ट आने पर राजा उनकी सहायता करता है और उस कष्ट से पीड़ा से उनको मुक्ति दिलाता है। तो इस प्रकार इस चौथा पद का सार समाप्त हो गया। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।